नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आष्टा, मध्य प्रदेश की पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री उषा सिंह ठाकुर ने मंगलवार शाम पर्यटन विभाग के हाईवे ट्रीट डोडी में नवनिर्मित MPT फ्यूल स्टेशन का शुभारंभ किया। सर्वप्रथम मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर श्री गणेश जी की पूजा के बाद कन्याओं को तिलक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कर अपने हाथों कार में डीजल भरकर MPT फ्यूल पंप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम पर्यटन क्षेत्र का विस्तार करने के साथ ही निरंतर सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सार्वजनिक स्थानों के नाम बदलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे क्रांतिकारियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हम उनको याद कर रहे हैं। इस दौरान कार्यक्रम में आष्टा विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के प्रबंध संचालक S. विश्वनाथन, डिवीजनल रिटेल हेड विनोद कुमार पांचाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस पेट्रोल पंप का जहाँ पर हम सभी मौजूद है, साथियों, मेरा शोध कार्य स्वतंत्र भारत के आंदोलन में क्रांतिकारियों की भूमिका पर है। मेरा अनुभव, मेरा शोध कार्य ये कहता है कि हम जिस प्रकार का चित्र रोज देखते हैं, जिनके बारे में हम फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारी चित्त वृत्ति भी वैसी ही बनने लगती है। और आने वाली पीढ़ी का परिचय क्रांतिकारियों से कराना, ये हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है और यही हम सबकी देशभक्ति का परिचय है। तो मैं माननीय श्री आदरणीय श्री पीयूष मित्तल जी, महाप्रबंधक इंडियन ऑयल मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य कार्यालय, मैं सर विनोद पंचपाल। क्या हमारा बहुत अच्छा है और ये नवाचार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में एक मजबूत कदम है। इंडियन ऑयल और MPT का ये अनुबंध निश्चित रूप से रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा और हमारी भूमियों के सदुपयोग में सहायक होगा। एक सवाल, पंचायत चुनाव की लगातार अटकलें चल रही हैं, अभी पश्चिमन निरस्त किया सरकार ने, राज्य में निरस्त किया, कब तक संभावना है पंचायत चुनाव? जी शीघ्र होंगे, चिंता में है प्रशासन। इंदौर के कई स्थानों के और अभी अभी रेलवे स्टेशन के नाम बदल गए, इसे आप किस तरह से देखते हैं? आपके विधानसभा आपके क्षेत्र में इंदौर में कई जगह नाम बदल गए। जी, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे आत्मिक आनंद होता है और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी और हर उस व्यक्ति को गर्व होता होगा कि हमारे उन क्रांतिकारी जिन्होंने सब कुछ निचावर किया देश की आज़ादी के लिए, कम से कम इस अमृत महोत्सव में हम उनको याद रख रहे हैं और वो स्मृति के रूप में कहीं ना कहीं ऐसे स्थानों को नाम दे रहे हैं। आपकी विधानसभा में चौहान जी आ रहे हैं, जी ये अद्भुत है, ये अनूठा है, वो टंटिया मामा की शहादत स्थली है जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और हर क्षण अपनी वीरता का परिचय, वो आदमी चैलेंज देके और भागता था कि मैं सब कर लिया, पकड़ो मुझे, अब तुम में दम हो। तो ऐसे जाबाज युवाओं का ये देश, उनके शहादत दिवस पे मुख्यमंत्री जी का आना, ये स्पेशल रूप से मैं तो मऊ की ओर से बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी क्योंकि मुझे अभी वहीं सेवा का मौका मिला हुआ है। वहाँ पर एक हम जनजाति संग्रहालय, एक उनकी कुलदेवी माई काली माई का एक आराधना स्थल और जनजातीय रणबांकुरों की एक चित्र प्रदर्शनी, ऐसे कई सारे विकास की सौगात वहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सेन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।